सुजानपुर डेहरा में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। ये पर्व सुजानपुर के ऐतिहासिक मंदिर मुरली मनोहर में मनाया गया, जिसके लिए ये मंदिर महाराजा संसारचंद ने अपनी माता की याद में 1 लाख देकर बनवाया था, जिसे दंत कथा के अनुसार लक्ष्य का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के दौरान इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत मेले की शुरुआत की जाती है। राजा संसारचंद की ऐतिहासिक मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व अपनी प्रजा के साथ मनाते थे। वहीं सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोग पूर्व धूमधाम से मना रहे हैं। सुजानपुर टेहरा में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। ये पर्व सुजानपुर के ऐतिहासिक मंदिर मुरली मनोहर में मनाया गया, जिसके लिए ये मंदिर महाराजा संसारचंद ने अपनी माता की याद में 1 लाख देकर बनवाया था, जिसे दंत कथा के अनुसार लक्ष्य का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के दौरान इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत मेले का शुरुआत की जाती है। राजा संसारचंद भी ऐतिहासिक मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व अपनी प्रजा के साथ मनाते थे। वहीं सदियों से चली आ रही इस परंपरा में आजकल भी लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन जन्माष्टमी में किया जाता है और फलाहार का भंडारा भी लगाया जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी रवि भूषण ने बताया कि मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रात 12 बजे तक कृष्ण की लीलाओं के गान किया जाता है और मंदिर को हर वर्ष दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लगभग 6000 वर्ष पहले से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, तो वहाँ पर बड़ी खुशियाँ मनाई गई चारों तरफ, और भगवान कृष्ण के जो लोग स्नातनी लोग हैं वो भगवान कृष्ण का जन्म होने से पहले जन्माष्टमी समर्थ मनाते हैं, और जो साधु संत लोग हैं मथुरा वृंदावन को जन्म के बाद जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जानपुर की जो जन्माष्टमी है होली है, उसमें जन्माष्टमी का त्यौहार जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और राजाओं के टाइम के और यहाँ पे जो हमारा ब्राह्मण समाज है इकट्ठा होकर रात को कथा का आयोजन किया जाता है 10 बजे, और रात को 12 बजे जन्म का कार्यक्रम, भगवान कृष्ण जन्म का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें भजन कीर्तन दिन में किया जाता है। और हमारे जो सुजानपुर नगर है, इसका नगर का नाम सज्जनों का शहर था सुजानपुर का, तो सज्जन लोग आप उसमें मिलते हैं, प्रेम भाव से इस त्यौहार को हर वर्ष से प्रेम से मनाया जाता है और खुशी से मनाया जाता है। और हमारा इस पर्व में काफी समय से इसमें रात को सुंद का प्रसाद, दूध दही, गंगा जल सहित पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का स्नान किया जाता है, 5 आरतियां की जाती है, 7 आरतियां की जाती है, और दिन में भोग की व्यवस्था होती है, और लोग बड़ी खुशी से इस दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण का मन से स्मरण करते हैं, और बड़े खुश होकर सब लोग आपस में मिलते हैं, प्रेम से रहते हैं, और भजन कीर्तन भगवान कृष्ण का किया जाता है। इसलिए भगवान ने यदा यदा ही धर्मस्य बलानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य उदात्तम् सुजाम्यहम्। भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी, पाप की वृद्धि होगी, मैं जरा बढ़ाऊंगा और पाप का विनाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं संपूर्ण थे, भगवान राम 14 कलाएं संपूर्ण थे, भगवान जो द्वापर युग है त्रेता द्वापर युग में लाभ के था, तो भगवान ने कहा था कि कलयुग में फिर से भगवान का अवतार होगा और कल की अवतार भगवान का होगा और एक ब्राह्मण के घर में होगा। तो ये वर्णन दिया गया है जब बहुत पाप बढ़ेगा दुनिया में, अस्त व्यस्त होगी व्यवस्थाएं, तो भगवान का अवतार होता है। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार धरा बनाते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से सुजानपुर नगर में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है बड़ी खुशी से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए मनाते हैं।